और last time we understood the beginning of polygraph and we also understood the variety of international private law rules. हमने ये देखा कि private international law को universal application नहीं है, depends on country to country. And foreign law का मतलब हमने देखा any law which is outside the court's jurisdiction, court के jurisdiction के बाहर वाला जो कायदा apply कर रहे हो court में, उसे हम foreign law. Okay. Now मैंने ये भी कहा था कि lot of countries are trying to bring about harmonization in the private international law. Harmonization मतलब जो कि सारे देश के जो civil laws हैं, चाहे वो marriages हो, contracts, property, taxes, will, इन चीजों में they are trying to bring about similar या same laws. कल अगर कोई dispute होता है तो उसको dispute को resolve करने के लिए दोनों देशों के बीच के कायदे सेम हैं, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सिमिलर पनिशमेंट, सिमिलर कंपनसेशन, सिमिलर डैमेजेस, जो भी जिस टाइप का सिविल केस होगा उस हिसाब से. ठीक है, तो ये उनका अल्टीमेट एम था. तो कैसे आईवीएम स्पेसिफिकली एग्जांपल ऑफ यूरोप में लेंगे, उन्होंने कैसे कॉन्फ्लिक्ट, सिविल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म सेटअप किए हुए हैं. देयर आर टू पॉसिबल वेज इन व्हिच दिस लैक ऑफ अनएम्बिटी अमंग द वेरियस सिस्टम्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ मे बी एमोलिएटेड. यूनिफिकेशन ऑफ इंटरनल लॉज, सबसे पहले आप जैसे मैंने आपको कहा जो इंटरनल लॉज है उसको यूनिफाई करते हैं, यूनिफॉर्म करते हैं सभी, जैसे यूरोपियन यूनियन में ज्यादातर सारे देश जो है उनके सिविल लॉज सिमिलर है, सेम है, यूनिफाइड है. तो कल कोई डिस्प्यूट होती है तो सॉल्व करने में आसानी हो. द फर्स्ट इज टू सिक्योर बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन द यूनिफिकेशन ऑफ द इंटरनल लॉज ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑन एज मेनी लीगल टॉपिक्स. जितने लीगल टॉपिक्स के जितने अलग अलग डिस्प्यूट्स के लिए आप सेम लॉ रखोगे उतना अच्छा. यूरोपियन यूनियन ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक जीडीपीआर करके है, दैट इज जनरल रेगुलेशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा. तो ये यहाँ पे उनका ओवरऑल एक ही कायदा है जो सारे देश फॉलो करते हैं. ओके, उसका सर्टिफिकेशन कोर्स भी आ जाता है ऑनलाइन, बट उसको आपसे उसका एक ओवरव्यू मिल जाता है आपको पर्टिकुलर हमेशा उपलब्ध रहते हैं क्योंकि उनके अंदर उनके बीच में एग्रीमेंट हो चुके हैं, उनके अंदर डील्स हो चुके हैं ताकि सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि कभी भी डिस्प्यूट हो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो. So when attention is paid to the fundamental and basic differences in principle that distinguish one legal system from another, especially in the common law systems as contrasted with their civil law counterparts, it is obvious that this form of unification holds out no great prospects of success. देखिए common law system में फर्क क्या है common law system में और civil law system. सबसे major फर्क ये है जब मैं common law system बोलता हूँ everything is not modified. There are certain aspects where there is no laws, जहाँ पे principles of natural justice are followed. Civil law system के जो देश होते हैं, वहाँ पे everything is modified. Each and everything. उसके अलावा अगर आप कुछ करते हैं, तो उसके ऊपर आपको किसी भी type का solution नहीं मिल सकता. Even it might be morally wrong. Even it might be legally wrong in another country. अगर उस civil law देश में अगर वो कायदा ही नहीं है, तो आपको न्याय नहीं मिल सकता. ये दोनों बेसिक फर्क है. कॉमन लॉ सिस्टम में आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें मॉडिफाई नहीं की गई, बट सिविल लॉ सिस्टम में प्रॉब्लम आ सकते हैं क्योंकि वहां पे सुवर्निटी रहने में इंपैक्ट. जब आप बोलते हो कि सभी के लॉ मॉडिफाई कर दो, सभी के लॉ सेम कर दो, देयर विल बी फॉर आवर कंट्री वी विल नॉट बी हैप्पी. जैसे अभी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ नेशन कॉर्पोरेशन साथ में अगर इंडिया के साथ और चार पांच देश मिलके बोलते कि ऐसा कायदा बनाएंगे तो पाकिस्तान में से लो WTO भी बोलेगा कि आप पूरा ट्रेड फ्री कर दीजिए, देयर विल बी कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील टू से लो. अभी कोरोना के ऊपर मेडिसिन बढ़ रहा है. ओके, अब मेडिसिन कोई ना कोई कंपनी बनाएगी, उसके ऊपर मेडिसिन बन गई तो उसके ऊपर पेटेंट मिलेगा, पेटेंट मिलेगा तो उस कंपनी को रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, रॉयल्टी पे करोगे तो वो मेडिसिन महंगा हो जाएगा.
वो मेडिसिन महंगा हो गया तो आम आदमी को खरीद नहीं पाए, इसलिए कंट्रीज लाइक इंडिया ब्राजील ये बोल रहे हैं कि आप पेटेंट देर कर, पेटेंट को देर कर दो, मतलब हमारे जैसे देश जो डेवलपिंग कंट्रीज है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उनको रॉयल्टी पे करने को मत बोलो बिकॉज हमारे देश में गरीबी ज्यादा है। अभी ये डिसीजन कौन लेगा, जो WTO का जो जनरल असेंबली है, WTO की लॉ मेकिंग अथॉरिटी जो है वो डिसाइड करेगा। इन्होंने प्रस्ताव तो मान दिया है कि सिर्फ सारे डेवलपिंग कंट्रीज में कौन है कौन नहीं डिसाइड करना पड़ेगा। अगर बीच में विदेन साहब आए थे इंडिया में, कहा इंडिया से डेवलप कर, उसके पीछे का जियो पॉलिटिक्स ये है कि अगर डेवलप करते तो फिर हाउ कैन दे डिमांड पेटेंट डिवेलप फॉर कोरोना वैक्सीन। हमें बहुत खुशी हुई थी, अरे हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट ने डेवलप कंट्री बोला, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम हर जगह पे बोलते हैं कि हम डेवलपिंग, हर जगह पे हम बोलते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हर जगह पे बोलते हैं कि हमें पैसा दीजिए, लेकिन इंटरेस्ट कब लगाइए। जैसे फार्मर्स को या जो हमारे देश में वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है वो जैसे वीकर सेक्शंस को हम सस्ते में इंटरेस्ट देते हैं, सस्ते में लोन देते हैं, उसी तरीके से हमें भी दीजिए। उन्होंने क्या बोला, डेवलप्ड देश है तो यूनिफाई अगर करना है लॉ तो सिविल लॉ सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, कॉमन लॉ सिस्टम में आसानी से हो सकता है, क्योंकि कॉमन लॉ सिस्टम में ऐसा देश जहाँ पे कॉमन लॉ सिस्टम होती है वहां पे हर कोई चीज यूनिफाइड नहीं की जाती। रिमेम्बर बहुत हमारा देश कॉमन लॉ सिस्टम में आता है, हमारे देश में ऐसे बहुत सारी चीजें जिसको डिफाइन नहीं किया गया है। हमारे देश में व्हाट इज पब्लिक ऑर्डर, व्हाट इज पब्लिक मोरालिटी, व्हाट इज डिग्निटी, व्हाट इज प्राइवेसी, ये डिफाइन नहीं किया है किसी लॉ में, इस पर्टिकुलर टर्म्स को उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। अगर आपने उनको डिफाइन कर दिया और कोई नई चीज आ गई जो उस डेफिनेशन में इंक्लूडेड ही नहीं है, कि आज के डेट में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है कि चेंजेस हो रहे हैं, हमने जो लॉ बनाया साइबर लॉ वो इंटरनेट के लिए, हैव वी एवर थॉट अबाउट वर्चुअल करेंसी? नो। हमने कभी बिटकॉइन के बारे में कि ट्रिलियन के करके कॉइन आता है, अभी जियो कॉइंस भी आने वाले हैं, वो रुके हुए हैं, जब जियो कॉइंस लॉन्च हो जाएंगे तो वर्चुअल करेंसी इंडिया में लीगलाइज होने वाली है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर जियो टू लॉन्च देयर होम वर्चुअल करेंसी, पता नहीं है, पता लग गया। तो वहां पे ये रुके हुए हैं, ऑलराइट। सो कॉमन लॉ सिस्टम में आसानी हो जाती है करने के लिए, सिविल लॉ सिस्टम में थोड़ा मुश्किल है। Nevertheless, a certain amount of progress has been made in few departments of law where there is unity in imperative possible. हाँ, ऐसा नहीं है कि सभी लॉज के ऊपर यूनिफॉर्मिटी आ रही है, ऐसा नहीं है, बिकॉज देर आर गोइंग टू बी कॉन्फ्लिक्ट्स। ऐसा नहीं होता कि भाई सब जगह पे जो आप बोल रहे हैं, फ्रांस बोल रहा है जो जर्मनी मान रहा है, जर्मनी बोल रहा है जो स्पेन मान रहा है, इंडिया बोल रहा है पाकिस्तान मान रहा है, यूक्रेन बोल रहा है तो रशिया, ऐसा नहीं होता। देर आर गोइंग टू बी डिस्प्यूट्स, देर आर गोइंग टू बी डिबेट्स, देर आर गोइंग टू बी डिस्कशंस वेयर दे विल टॉक अबाउट सोल्यूशन। तो जहां पे पॉसिबल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि हम पॉलिसी बनाते हैं एग्रीकल्चर फील्ड के लिए, टैक्सेशन स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हर देश एक्सेप्ट करता है कि हमारा जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है वो सिंपल होना चाहिए, पीपल शुड नो व्हाट दे आर पेइंग। वरना अगर आप कभी भी मूवीज में जाते होंगे, मूवीज की टिकट भी लेके, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, म्यूनिसिपल टैक्स, GST, फिर स्टेट GST, क्या भाई क्या पे क्या कर रहा हूँ, कितने टैक्सेस पे कर रहा हूँ, तो पीपल अवॉइड टू पे टैक्सेस, ये क्या चल रहा है, ये तो चोरी चल रही है भाई, है ना। तो आप अभी सिर्फ स्टेट GST, सेंट्रल GST बात कर रहे हैं, आई नो हाउ मच टक्का, हाउ मच परसेंटेज आई पे, ठीक है। तो क्लियर, जब क्लियर होता है कि भाई कितना पे करना है, उस हिसाब से मेंटली रेडी होती है। तो यहाँ पे सब मानते हैं टैक्सेशन सिंपल होना चाहिए, तो वहां पर यूनिफिकेशन हो सकता है। बट यूनिफिकेशन जैसे अभी टेररिस्ट कोई एक्टिविटी है, मनी लॉन्ड्रिंग है, वहां पे बहुत सारे देश के पास कायदे नहीं है, ओके। इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ यूनिफिकेशन इज द वॉर्सो कन्वेंशन, वॉर्सो कन्वेंशन विद रिस्पेक्ट टू यूरोपियन यूनियन, देखते हैं, ऑफ 1929 अमेंडेड एट द हेग इन 1955 and supplemented by the Guadalajara Convention 1961, which makes the international carriage of persons or goods by aircraft for reward subject to uniform rules as regard both jurisdiction and the law to be applied. Flight से इंसानों को और
लोगों को ट्रैवल करने के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए. व्हेनेवर देयर इज इंटरनेशनल कैरिज ऑफ पर्संस और गुड्स बाय एयरक्राफ्ट, सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए. तो जो इंडिया में एयरपोर्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, सिमिलर रूल्स एंड रेगुलेशन यूरोप में किए जाते हैं. पासपोर्ट चाहिए के वीजा चाहिए, जहां पे वीजा होना चाहिए वहां पे. ऐसा नहीं हो सकता ना कि वहां पे जाने के बाद ये वीजा एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ से वीजा निकाल के लिए यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए या यूके के लिए वो एक्सेप्ट करते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द वॉर्सो कन्वेंशन. कि हम सभी देशों ने इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, वो हम सभी देश फॉलो करते हैं, वरना ट्रैवलिंग मुश्किल हो जाती है. किसी भी देश में जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है अगर डॉक्यूमेंटेशन हमारे देश की देश में जाने के डॉक्यूमेंटेशन भी अप्लाई नहीं कर सकते. So, for any international carriage of persons or goods like aircraft, is subjected to Warsaw Convention. Certain rules are there. इसलिए there are certain countries जहाँ पे visa नहीं रखता. श्रीलंका जाना है, नेपाल जाना है, मकाओ जाना है, वहाँ पे visa नहीं रखता. इंडिया से जाता है. Just you need a passport, आप जा सकते. Otherwise, majority of the countries require. It also provides that any agreement by the parties purporting to alter the rules on the matter shall be null and not void. The convention has been made binding in England by the carriage by Air Act 1966. England based mandatory kar diya gaya. Usi tarike se India mein bhi kiya gaya, European countries mein kiya gaya. Theek hai. Agar aap dekhe sabse bada jo business hai wo export import hai. Theek hai. Export import karne ke liye bhi rules and regulations hote hain ki bhai जहाज है अगर शिप से जा रहे हैं, शिप से क्यों होगा तो आपके जिस देश की वो शिप है उस देश का झंडा होना चाहिए, फ्लैग. उसके बाद जो भी गुड्स होगी उन गुड्स के अंदर वेयर वर दे मेड, सोर्स क्या है, दे वर मेड इन रिच कंट्री. क्योंकि अगर भले ही इंडिया की है दे माइट बी मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना. तो ये रूल्स है, ये फॉलो करना जरूरी है. जब क्योंकि जब उस शिप को पकड़ा गया है, जब शिप को रोका गया, डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी. कहाँ से ये शिप आई है, कौन से गुड्स है, जो बताया जा रहा है वही गुड्स है. ऐसा तो नहीं ऊपर से लिख रहा है दाल चावल अंदर ड्रग्स है, हो सकता है ना. सो इसीलिए देयर विल बी सर्टेन रूल्स व्हिच आर फॉलोड बाय ऑल द कंट्रीज. फर्दर एग्जांपल्स ऑफ यूनिफिकेशन इज द कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट. मतलब अभी एयरक्राफ्ट से हो गया, अभी सी से बाय शिप्स, उसके लिए अलग कायदा है. कैरिज ऑफ गुड्स बाय रोड एक्ट, रस्ते से हो गया. कैरेज ऑफ पैसेंजर्स बाय रोड एक्ट, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, ये सारे जो कायदे हैं दे आर देयर टू सिंप्लीफाई द ट्रेड एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, ताकि सभी जगह पे गुड्स रेगुलेशन सेम फॉलो किया जाए. वरना हर देश में जाने के बाद हर नया वीजा, हर बार नया पासपोर्ट, हर बार नया कुछ डॉक्यूमेंट, कितने डॉक्यूमेंट कैरी करते हैं, बैगिंग से ही डॉक्यूमेंट कैरी करने के लिए, इसीलिए एक डॉक्यूमेंट काफी. समझ लो, पहले भी इंडिया का एग्जांपल देते हैं. इंडिया में पहले ड्राइविंग लाइसेंस दो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दो, पैन कार्ड दो, वोटर आईडी दिखाओ, राशन कार्ड दिखाओ, अभी आधार कार्ड खत्म. जैसे अब आधार कार्ड उसके अंदर सारा डेटा आ जाता है ना. पहले इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे, आईडी प्रूफ होना, एड्रेस प्रूफ होना. आज भी वो नाटक कई जगहों पे चल रहा है, बट अगर आधार कार्ड है, आपका फोटो है, आपका एड्रेस है, आपका एज है, सब कुछ है, तो दैट इज यूनिफिकेशन. कॉम्प्लिकेशन प्रोसीजर को खत्म करो, एक डॉक्यूमेंट के बात करो, दिस इज माई आईडी. ओके, बर्न कन्वेंशन ऑफ 1886. ओके, अब ये जो बर्न कन्वेंशन था, इट इज विद रिस्पेक्ट टू लिटररी एंड आर्टिस्टिक वर्क. मतलब लिटरेचर, किताबें लिखते थे लोग, आज भी किताबें लिखते हैं. आर्टिस्टिक वर्क मतलब पेंटिंग, स्कल्पचर्स, स्क्रिप्ट, ड्रामा की स्क्रिप्ट हो सकती है. तो ये सारी चीजें लिटररी और आर्टिस्टिक वर्क में आते थे. 1886 में फिल्म नहीं थी, वीडियो रिकॉर्डिंग का कंसेप्ट था, फोटोज थे. 1886 की बात करें तो धीरे धीरे ये वीडियो रिकॉर्डिंग ये थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ था, तब नहीं था. तो साउंड रिकॉर्डिंग या मूवीज के लिए प्रोटेक्शन नहीं थी 1886 में. सभी देशों में लिटरेचर कॉपी ना हो, किताबें कॉपी ना की जाए, क्योंकि आज भी ऐसा इंडिया में हुआ था
कि लोगों ने क्या किया, पीएचडी लोग कर रहे, पीएचडी उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जो यूनिवर्सिटीज थी वहां की पीएचडी जरा से काफी लाई और पीएचडी क्लेम कर, और ऐसे बहुत सारे डॉक्टर ढूंढ रहे जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न से, और नॉर्थ ईस्टर्न के लोगों ने क्या किया, उन्होंने यहाँ की पीएचडी जरा से रखी और वहां पे पीएचडी ली। दोनों एक्सचेंज करने बात तो नहीं, दोनों किसी और का कॉपी कर रहे हैं आप, समझ रहे हो। सो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में कॉपी ना हो, कई बार अभी बच्चों को बोला जाता है कि असाइनमेंट लिखिए, आपको टॉपिक दिया जाता है आर्टिकल लिखिए, हम गूगल करते हैं, गूगल पे पीडीएफ में कॉपी पेस्ट, इसको कहते हैं प्लेजरिज्म, कॉपी पेस्ट इसको कहते हैं प्लेजरिज्म। ये करने के बाद धीरे धीरे मान जाए कि आपने कुछ किया नहीं, आपने उस कॉपी करके पेस्ट कर दिया, क्या ऊपर का पैरा नीचे, नीचे का पैरा ऊपर रखे, है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा खुद का लिया, एंडिंग में खुद का, थोड़ा बीच में स्टोरी, ये प्लेजरिज्म हो गया। जब कॉपी पेस्ट करते हैं और सब करते हैं, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा नहीं करते थे, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल पे ठीक है। सो बर्न कन्वेंशन इज वन कन्वेंशन वेयर ऑल द कंट्रीज हैव साइडेड वेयर दे रिस्पेक्ट द कॉपीराइट ऑफ अ बुक, स्क्रिप्ट और एनी आर्टिस्टिक पेंटिंग, फोटोग्राफ, इन सभी चीजों को कॉपीराइट मिलता है अंडर द बर्न कन्वेंशन ऑफ 1886। उसके बाद मॉडिफिकेशन हुए, रोम कन्वेंशन आया, उसके बाद क्लिप्स आया, जहाँ पे अभी मूवीज, म्यूजिक, साउंड रिकॉर्डिंग्स, इन सभी चीजों को भी प्रोटेक्शन मिलता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, इन चीजों को भी प्रोटेक्शन मिलता है। ओके, इसीलिए जब आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या फिर कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हो तो वो कॉपीराइट चेक करता है। इंस्टाग्राम पे अगर आप कोई म्यूजिक बैकग्राउंड में लगा दो किसी वीडियो के, किसी फोटोग्राफ में, तो वो क्वेश्चन पूछता है कि डू यू हैव द लाइसेंस ऑफ दैट सॉन्ग टू बी अटैच्ड टू योर वीडियो, अगर नहीं है तो वो आपका वीडियो अपलोड नहीं होने देगा, अपलोड कर भी दिया तो भी वो किसी और को विजिबल नहीं होगा वो वीडियो, तो अपलोड करके बैठा गया है ना, तो इससे अच्छा कि मैं भी बोल दूं पीछे से वीडियो भी निकाल दूं, रिकॉर्डिंग निकाल दूं। सो द पॉइंट ऑफ द फैक्ट इज बर्न कन्वेंशन अनदर एग्जांपल ऑफ यूनिफिकेशन, जहां पे सभी देश, अभी जब मैं बोलता हूं इंडिया का कॉपीराइट लॉ, इट इज एज सेम एज बर्न कन्वेंशन। मैं जब ट्रिप्स की बात करता हूं उसके अंदर भी बर्न कन्वेंशन, फर्क सिर्फ ये है, आज देखो जनरल नॉलेज के मॉरल राइट्स, मॉरल राइट्स मतलब क्या, मेरी किताब है, मैं चेतन भगत, मेरी किताब, मैंने किताब ली थी, इसके ऊपर एक मूवी हो, द बुक इज कन्वर्टेड इनटू अ फिल्म, इसे कहा जाता है एडैप्टेशन, द बुक इज एडैप्टेड इनटू अ मूवी। नाउ मेरा मॉरल राइट है, मुझे पैसे मिले, आई गॉट द रॉयल्टी, मुझसे परमिशन ली, मैंने बोला हाँ मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ओके ये लो 1 करोड़ रुपए, आपकी किताब से मूवी बना दर। लेकिन कल मुझे जब मैंने वो मूवी देखी या मुझे मूवी रिलीज होने से पहले मैंने वो देखा मूवी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे किताब में जो लिखा गया है और जो मूवी में दिखाया जा रहा है उसमें फर्क, देयर इज कंटामिनेशन और डिकोरिएशन ऑफ माय वर्क, क्योंकि जब लोग मूवी देखेंगे तो वो क्या बोलेंगे, चेतन भगत के बुक में ये लिखा हुआ, तो व्हेनेवर योर वर्क इज गेटिंग कंटामिनेटेड, तो आपका मॉरल राइट है कि आप रोक सकते हो, इक्वली फेयर बोलते हो, आपको रॉयल्टी भी मिली है, तो ये कहां लिखा है, वर्क में। हमारे देश में भी हर ऑथर, हर कॉपीराइट होल्डर का मॉरल राइट है। शोले मूवी पता है सबको, शोले के बाद वो राम गोपाल वर्मा की आग का वो मूवी था ना, मूवी राम गोपाल वर्मा ने शोले को रिमेक किया, नाम भी ऐसे कुछ डाला कि रामगढ़ के शोले ऐसा कुछ, तो नाम पहले डाला था, उसके बाद उसने कुछ नाम बदल के आग ऐसा कुछ किया, राम गोपाल वर्मा की आग ऐसा ही उसने नाम बदल दिया, ऑब्जेक्शन दिया गया क्योंकि वो मूवी बहुत ही खराब बनाया गया था, बहुत भंगार मूवी बनी थी, ऐसे जो भी आदमी था मीम्स बनते थे कि अगर टॉर्चर करना है किसी को तो वो मूवी दिखा दो, तो जो सिप्पी साहब या क्योंकि कॉर्पोरेट सालों साल रहते हैं, इवन आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म और द म्यूजिक डायरेक्टर, उसके बाद भी 60 साल तक वो कॉर्पोरेट के बच्चों के पास रहता, तो आप डिकोरेट नहीं कर सकते, ये कहाँ पे लिखा है,
बल्ब रेगुलेशन में 50 साल का दिया, हमने इंडिया में 60 साल दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, जब तक जिंदा है तब तक तो रॉयल्टी मिलेगी, उसके बाद भी आपके बच्चों को भी रॉयल्टी मिलेगी। इसलिए किशोर कुमार का जो लड़ना अभी हुआ उसको आज भी रॉयल्टी मिलती। जब आप किसी किशोर कुमार का गाना रीमेक करते हो या रिमिक्स करते हो, ताली गाय बर्न कर यूनिफिकेशन ऑफ कॉपीराइट लॉज इन ऑल द कंट्रीज विद माइनर चेंजेस। माइनर के हम 60 साल देते हैं, उतना चलता है। उसके बाद ये एग्जांपल्स है प्राइवेट इंटरनेशनल कैसे फंक्शन करता है। काउंसिल ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, द यूनाइटेड नेशंस के पहले लीग ऑफ नेशंस था जो फ्लॉप हो गया। वर्ल्ड वॉर वन के बाद लीग ऑफ नेशंस फॉर्म किया गया, बहुत कम देश के पार्टिसिपेंट्स थे और फ्लॉप हो गए। उसके बाद वर्ल्ड वॉर टू हो गया, तो ये दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वॉज कन्वर्टेड इन टू यूनाइटेड नेशंस। इट वॉज इंटरेस्टेड टू द इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉज established by the Italian government in Rome, the task of indicating the lines along which further unification might be attained. World War One के बाद League of Nations को बताया गया कि आप एक ऐसे लॉ बनाइए जिसमें private international को unify कर सके, जहाँ पे आप ऐसे लॉज बना सके कि देशों के बीच में जो अगर dispute हो वो solve करने में आसान हो। Harmonization, unification of private international, जैसे हमने अभी देखा World Federation देखा, उसके अलावा हमने इंटरनेशनल कैरेज ऑफ गुड्स एंड पर्सन देखा, ऑन एयरक्राफ्ट, ऑन सी, ऑन रोड्स, यूनिफिकेशन। उसी तरीके से इनको ये काम दिया गया कि आप भी ऐसे लॉ बनाइए। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ इट्स लेबर इन कंजंक्शन विद दोस ऑफ द हेग कॉन्फ्रेंस वाज द कंक्लूजन ऑफ द हेग इन 1964 ऑफ अ कन्वेंशन व्हिच एस्टैब्लिशेस अ यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स ऑफ इंटरनेशनल सेट्स ऑफ गुड्स एंड ऑल्सो ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। हेग में कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को रिडिफाइन किया है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्यूट्स जो होते हैं देशों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे। मैंने आपको कल ही बताया कि रशिया ने बिकॉज़ वेस्टर्न कंट्रीज हैव सैंक्शन उनकी कंपनीज वहां पे काम कर रहा है, शट डाउन कर दिया, राइट। मैंने आपको कल बताया रशिया में, तो वो कहां लिखा गया है कब आपने कुछ बेचने चाहिए कब आपने नहीं बेचने चाहिए। अगर आपको इंडिया की, अगर इंडिया का अगर आपको याद होगा 2008-09 में पाकिस्तान प्लेयर्स और अमर प्लेयर का आईपीएल, दो साल के बाद गवर्नमेंट ने बोला नो पाकिस्तान प्लेयर्स, काफी अप्रोर हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ कि हमारे प्लेयर्स हर जगह पे खेल सकते हैं, इंडिया में क्यों नहीं खेल सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई दूसरा पाया सोवरेनिटी की काफी इच्छा थी इंडिया में खेलने की, नहीं मिलना चाहिए। This convention was accepted by UK and incorporated in the Uniform Laws or International Sales Act 1967. What's the Uniform Laws or International Sales Act. जो जो देश इसको follow करेगा, उन देशों में ये फायदे सभी देश follow करेंगे। अगर कोई dispute होती है, इस act के अंदर उस dispute को solve करेंगे। International Sales Act. Which when its provisions apply excludes the rules of private international. तो बाकी आप आपका सोवरेन लॉ होते हैं इस लॉ को। ओके, उसके बाद 1964 कन्वेंशन सक्सेसर था उसका, द यूएन कन्वेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द इंटरनेशनल सेल्स ऑफ गुड्स 1980, इट वाज प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, यूएन सिकाल, इसको ऐसा भी कहा जाता है। अमेंडमेंट्स होते गए, चेंजेस होते गए, सबसे पहले 1967 में किया गया, फिर 1980 में उसको अमेंड किया, चेंजेस किए, ठीक है। यूके में ये पर्टिकुलर कन्वेंशन की पार्टी इंग्लैंड नहीं है, ऑन अ स्मॉलर स्केल द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, नंबर ऑफ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैव अडॉप्टेड दिस। तो मैंने आपको बोला था सभी देश ये फॉलो नहीं करते, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपको बताया कि WTO में सारे एग्रीमेंट सब फॉलो नहीं करते, कोई कंट्रीज करते हैं कोई कंट्रीज नहीं करते, या तो यूके नहीं करता इसको फॉलो। सबसे फनी चीज ऐसे है, पूरे अब तक ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो भी कन्वेंशन बनाए गए इंटरनेशनल लेवल, उसमें सबसे बड़ा हाथ यूएसए का। यूएसए वॉज द प्राइम कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ गिविंग द laws with respect to human rights. And the funny part is,
यूएसए इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ दिस क्लब्स. मतलब आपने खुद वो कायदा बताया लेकिन साइन नहीं किया, बाकी देशों ने साइन कर दिया कि हम करते हैं करते हैं करते, बाकी लोगों ने साइन कर दिया, बाद में आप खुद करते हैं कि हम साइन नहीं करते. बट वंस यू साइन द कन्वेंशन यू आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉलो दोस लॉज इन योर डोमेस्टिक इश्यूज. अमेरिका ने नहीं किया. अभी इसका मजा तो बताता हूं, साइन करना किसी कन्वेंशन और रेटिफाई करना दो अलग चीजें. या आप पब्लिक इंटरनेशनल या प्राइवेट इंटरनेशनल पढ़ोगे जब एक किताब पढ़ोगे, इन्हें साइन किया लेकिन रेटिफाई नहीं किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है, मैंने साइन कर लिया, आई हैव साइन दैट कन्वेंशन बट अभी तक मैंने रेटिफाई नहीं किया, मतलब अभी तक आई हैव नॉट एनफोर्स्ड और क्रिएटेड अ लॉ इन माय कंट्री विद रिस्पेक्ट टू दैट. हम इंडियन लॉ से आ गए, हां बेशक हमने रेटिफाई कर लिया, तो हमने क्या ये क्या होता है हमारे भविष्य जुडिशियल में अभी तक हम नहीं अप्लाई करेंगे. वैसे भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं जो देशों ने साइन कर रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वो मेंबर है जिसने 40 रिकमेंडेशन दिए हैं कि कैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल कर सकते, और 9 रिकमेंडेशन दिए कि आप टेररिस्ट फाइनेंसिंग कैसे रोक सकते. लेकिन अभी तक वो 40 प्लस 9 रिकमेंडेशंस है पाकिस्तान ने पूरी तरीके से अपने जुरिडिक्शन में अप्लाई नहीं किए, इसीलिए वो ग्रे लिस्ट पे, और उसको चौथी या पांचवी बार वार्निंग दे चुके हैं कि अगर आप ये सर्टिफाई नहीं करेंगे तो आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए. इसमें ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया है, इजराइल है, ओके. सेकेंड है, पहला मतलब हमने देख लिया कि जहां पे आप देशों के इंटरनल लॉज को ही रिफाइन करते हैं, अभी यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल कैसे. सेकेंड मेथड बाय विच इनकन्वीनियंस एंड रिजल्ट्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्टिंग नेशनल रूल्स कैन बी डिमिनिश्ड इज टू यूनिफाई द रूल्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ. सो एज टू एंश्योर दैट अ केस कंटेनिंग अ फॉरेन लिमिट रिजल्ट्स इन द सेम डिसाइसिव सेम डिसीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री ऑफ ऑरिजिन. अभी इनका क्या बोल रहे हैं कि अगर आप इंटरनल लॉस देशों के इंटरनल लॉस को यूनिफाई नहीं कर सकते, जैसे आप कॉर्पोरेट लॉ पेटेंट लॉ ये सभी देशों में यूनिफाई हो चुका है 90% सेम, 10% मैंने आपको बोला जैसे बर्न कन्वेंशन पे 50 साल का प्रोटेक्शन है, यहाँ पे 60 साल का, थोड़ा सा ठीक है बट ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो पा इन सर्टेन चीजेस, मैरिजेज है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, नहीं हो रहा. सम कंट्रीज आर देयर जिनका रिलेशन अच्छे नहीं होते, तब क्या करें? देन वी हैव टू यूनिफाई द रूल्स ऑफ प्राइवेट इंटरनेशनल. कैसे? सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड इन द हेग कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टॉपिक्स इन व्हिच द रूल्स ऑफ चॉइस ऑफ लॉ इज डिफरेंट. उन्होंने बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्रेंस देखे हैं जहां पर उन्होंने कोशिश की है कॉन्फ्लिक्ट को कम कर दिया जाए. Was indicating the desirability of having a code of private international law common to the civilization. ऐसा कोड बनाना चाहते हैं जो मुझे पता है हम सबको पता है बहुत डिफिकल्ट है. A uniform code of private international law which is acceptable to all the countries. ये हो नहीं सकता क्योंकि हर एक कंट्री की आइडियोलॉजी अलग है, हर एक कंट्री की सोवरेनिटी है, हर एक कंट्री की अपनी थिंकिंग है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, इसके लिए यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत मुश्किल है. लेकिन कोशिश की जा रही है. यहाँ पे हम रुकते हैं और नेक्स्ट टाइम मतलब कल हम डिटेल में ये सेकंड टॉपिक जो है यूनिफिकेशन बाय प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ